Dodo TV. शाम का वक्त था। मीराबाई पुलिस स्टेशन में हवलदार जगन एक प्लेट में खाना लेकर एक सेल की तरफ बढ़ रहा था। एक पुलिस वाला होते हुए भी न जाने क्यों उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर था। वो कोई खूंखार कैदी ही होगा जिसने जेल में बंद होते हुए भी एक हवलदार को इतना भयभीत कर रखा था। जगन उस सेल में पहुंचा। उस सेल में एक कैदी जगन की उल्टी तरफ मुंह किए बैठा हुआ लगातार रोए जा रहा था। उस कैदी का शरीर इतना पतला था कि वो एक हड्डियों के ढांचे की तरह लग रहा था। उसके शरीर में जगह जगह पर गहरे घाव थे जिस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। जगन उसे देख बहुत डरा हुआ था। वो अपने आप को संभालते हुए बोला, प्रभात, ये ले, खाना खा ले। ये कहकर जगन ने खाने का प्लेट प्रभात की तरफ खिसका दिया और जल्दी सेल का दरवाजा बंद कर दिया। उसकी आवाज सुनकर प्रभात गुस्से से उसकी तरफ मुड़ा और तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ा और सेल का दरवाजा हिलाते हुए बोला, देख, तुझे कहा था ना कि इसे खाना मत देना, फिर क्यों दिया इसे खाना, क्यों दिया? ये सुनते ही जगन अपनी पूरी तेजी के साथ वहाँ से भागा। जगन के जाते ही प्रभात खाने की तरफ गया और प्लेट का खाना फेंक कर उस प्लेट को ही अपने धारदार दांतों से चबाने लगा। कुछ महीने पहले प्रभात एक सीधा साधा पर बहुत ही काबिल मैकेनिक था। अपने नाम और काम से इतना मशहूर कि गाड़ियां खराब होते ही लोग प्रभात मैकेनिक का नाम लेते थे। प्रभात एक किराए के घर में रहता था। कई साल तक बुरे वक्त का सामना करने के बाद वो आज इस मुकाम पर पहुंचा था कि खुद का एक घर खरीद सके। लेकिन उसे शहर की भीड़ भाड़ वाली जगह पर रहना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए उसने शहर से थोड़ी दूर एक झील के किनारे एक छोटा सा घर देखा जो उसे बहुत पसंद था। प्रभात ब्रोकर सुनील के साथ उस घर में आया। घर अंदर से काफी गंदा था। कुछ पुराने टूटे फूटे सामान इधर उधर बिखरे हुए थे और एक अजीब सी बदबू पूरे घर में फैली हुई थी। प्रभात जी, देखा आपने, इस घर की हालत बहुत खराब हो चुकी है। इसे रिपेयर करने में काफी खर्च आ सकता है, इसलिए मैं तो कहता हूँ आप ये घर रहने ही दीजिए। मैं आपको शहर में इसी कीमत पर इससे भी अच्छा घर दिलवा देता हूँ। सुनील भाई साहब, अगर मुझे शहर में ही घर लेना होता तो मैं यहाँ थोड़ी आता। मुझे तो यही घर चाहिए, भले ही रिपेयर में कितना भी खर्चा आए, मुझे उसकी फिक्र नहीं है। प्रभात ने वो घर खरीदने का फैसला कर लिया और अपना कुछ सामान लेकर उस घर में आ गया। उसे घर खरीदने की खुशी तो थी ही, लेकिन ये चिंता भी थी कि इस घर को रिपेयर करने में तो बहुत समय लग जाएगा। ये सोचता हुआ प्रभात जब घर के अंदर आया तो अंदर देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। घर अंदर से पूरी तरह साफ हो चुका था। जो फर्नीचर टूटी फूटी थी वो भी पूरी तरह नई जैसी हो चुकी थी। अब तो घर में कोई बदबू भी नहीं थी। वो घर पूरी तरह से रहने लायक हो चुका था। लेकिन ये सब अपने आप कैसे हो गया, प्रभात के मन में सवाल उठा। लगता है ये काम जरूर सुनील ने करवाया होगा, उसे एक्स्ट्रा पैसे कमाने होंगे, इसीलिए उसने मेरे बोले बिना ही साफ सफाई करवा दी होगी। चलो अच्छा ही है, मेरा काम तो आसान हो गया। प्रभात ने अपने आप को समझा लिया। वो पहली रात तो उसने बड़ी ही सुकून से उस घर में काट ली। फिर अगली रात उसने नए घर की खुशी में एक छोटी सी पार्टी रखी और कुछ दोस्तों को भी इनवाइट किया। पार्टी देर रात तक चली। फिर पार्टी खत्म होने के बाद सभी लोग जाने लगे। आखिर में रौनक निकला जो कि प्रभात का सबसे जिगरी यार था। रौनक के जाते ही प्रभात टेबल से शराब की बोतलें और प्लेट्स उठाने लगा। तभी उसका फोन बजा। प्रभात ने मोबाइल देखा तो वो रौनक का फोन था। प्रभात ने फोन उठाया। भाई, भाभी जी दरवाजे पर ही खड़ी हैं।
जल्दी दरवाजा खोल वरना नाराज हो जाएंगी। ये सुनकर पहले तो प्रभात ने सोचा कि ज्यादा पीने की वजह से रौनक ने उसे गलती से फोन लगा दिया है। अबे रौनक, तुझे ज्यादा चढ़ गई है? मैं प्रभात हूँ, तूने गलती से मुझे फोन लगा दिया है। भाई मैंने तुझे ही फोन लगाया है। ये लड़की मेरी कार के पास खड़ी थी, मेरे पूछने पर इसने बताया कि इस घर में उसका पति रहता है, तो मुझे लगा कि ये तेरी बात कर रही है, इसलिए मैंने इसे तेरे दरवाजे पर भेज दिया है। बिना बताए शादी कर ली तूने, मैं गुस्सा हूँ अब तुझसे। ये सुनकर प्रभात ने सोचा कि रौनक उसके साथ कोई मजाक कर रहा है। प्रभात फोन रखने ही वाला था कि तभी फोन पर रौनक की दर्दनाक चीख सुनाई दी और फोन कट गया। वो चीख सुनकर प्रभात दौड़ा दौड़ा दरवाजे पर आया और जैसे ही दरवाजा खोलकर सामने देखा तो सामने रौनक की लाश पड़ी हुई थी। वो लाश देख प्रभात चीख पड़ा। तभी सामने से एक आवाज आई। क्या हुआ साहेब, लगता है आपका जिगरी यार था लेकिन बेचारा मारा गया। कौन हो तुम? तुम्ही ने मेरे दोस्त को मारा है? अरे शांत हो जाओ साहब, मैंने इसे नहीं मारा बल्कि इसे उस प्रेमी आत्माओं ने मारा है। कुछ साल पहले की बात है, इस घर में विक्रम अपनी पत्नी पल्लवी के साथ रहता था। विक्रम काम में बहुत व्यस्त रहता था और अक्सर घर देरी से आया करता था, लेकिन एक दिन वो जल्दी घर आ गया। उसने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी राघव के साथ देख लिया। विक्रम को इतना गुस्सा आया कि उसने उन दोनों का खून करके उन्हें जेल में फेंक दिया और ये घर छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। तब से उन प्रेमियों की आत्मा यहाँ भटक रही है, जरूर उन्होंने ही इसे मारा होगा। अपनी बकवास बंद करो, मुझे पता है ये खून तुमने ही किया है, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। ये कहकर प्रभात ने पुलिस को फोन लगाने के लिए अपना मोबाइल निकाला लेकिन उसके मोबाइल की बैटरी डेड हो चुकी थी। प्रभात भागता हुआ घर की तरफ गया और लैंडलाइन पर फोन लगाने की कोशिश की पर लैंडलाइन भी बंद थी। तभी प्रभात की नजर फर्श पर पड़ी। उसने देखा कि फर्श पर किसी के मिट्टी से लिपटे पैरों के निशान थे। तभी उसे अपने पीछे से किसी के सांसों की आवाज आई। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पीछे एक भयानक चुड़ैल खड़ी थी। प्रभात उसे देखकर बहुत डर गया और तुरंत वहां से भागा। वो जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा, दरवाजे पर वही आदमी खड़ा था। बचाओ मुझे, वो चुड़ैल मुझे मार देगी। क्यों साहब, अब यकीन हो गया ना? वो प्रेमी और कोई नहीं, हम दोनों ही हैं। ये कहकर वो आदमी एक भयानक भूत में बदल गया। उसे देख प्रभात डर से कांप उठा। डर मत, हम तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तुझे बस हमारा एक काम करना है। तू हमारे खूनी विक्रम को यहाँ लेकर आ, वो तेरे गैरेज में ही अपनी गाड़ी ठीक करवाता है। मौत से बचने के लिए प्रभात ने आत्माओं की बात मान ली। वो विक्रम को अच्छे से जानता था। वो पार्टी के बहाने एक रात विक्रम को अपने घर लेकर आया। तभी उन आत्माओं ने बड़ी बेरहमी से विक्रम का सर धड़ से अलग कर दिया और हमेशा के लिए गायब हो गए। प्रभात ने विक्रम की लाश को झील में ठिकाने लगा दिया। उसे लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। ये सोचकर वो जब घर के अंदर आया तो सामने विक्रम की आत्मा खड़ी थी। प्रभात डर के मारे वहाँ से भागा और सीधा पुलिस स्टेशन पहुँच गया, जहाँ उसने अपने आप को विक्रम और रौनक का खूनी बताया और आत्मा से बचने के लिए खुद को गिरफ्तार करवा लिया। लेकिन विक्रम की आत्मा ने उसके शरीर में हावी होकर उसे मौत से भी भयानक सजा दी और आज भी उसे तड़पा रही है।